वेलकम है गाइस, आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 7 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 7 कौन सा है? इवोल्यूशन। इस चैप्टर की यार इस चैनल पे बहुत ज्यादा डिमांड है और बहुत पहले से आप बोल रहे हो यार कि इवोल्यूशन जो चैप्टर है उस पे वीडियोस आप सर बनाओ, ठीक है, बट किसी कारणवश मैं इस पे वीडियो नहीं बना पाया। और पिछले साल ये क्लास 12th के आपके सिलेबस में नहीं था ये चैप्टर, बट लेकिन इस साल ये आपके चैप्टर जो है सिलेबस में प्रेजेंट है। और दूसरा नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो इस पे वीडियो बनाना तो बनता है, ठीक है। तो आज से हम शुरू करते हैं इवोल्यूशन चैप्टर को अपने चैनल पे, जिसका नाम है एनसीईआरटी का ज्ञान, ठीक है। उससे पहले यार एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं कई बार बोलता हूं और वो एक हिस्सा बेटा है डायलॉग की, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियोज इसके पसंद आते हैं, ठीक है। और अगर पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर भी कर देना। तो इससे क्या होगा, हेल्प मिल जाएगी थोड़ा सा चैनल को और रीच भी मिल जाएगी और नए लोगों तक कंटेंट भी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इवोल्यूशन चैप्टर को, ठीक है। एक मिनट यार, कैमरे को मैं ठीक से सेट कर लेता हूं, गिर ना जाए ना, एक मिनट, ठीक है। तो बात करते हैं इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्लो, इवोल्यूशन क्या एक प्रोसेस है जो कि स्लो है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, और इरिवर्सिबल चेंजेस, मतलब इवोल्यूशन के अंदर जो भी चेंज हो जाएगा वो इरिवर्सिबल है, वो चेंज दोबारा वापस नहीं हो सकता, ठीक है। एंड इन्वॉल्व द ट्रेंड्स लाइक, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, अडेप्टेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एफिशिएंसी। अब इसको एग्जांपल समझते हैं, अपने एग्जांपल समझते हैं। जो ह्यूमन है वो किससे डेवलप हुए, एप से डेवलप हुए, ठीक है, बंदरों से डेवलप हुए ना हम, तो क्या हुआ, ये इवोल्यूशन होता गया। यहाँ पे क्या है, एप्स है, इनसे डेवलपमेंट होता गया, किनका, इंसान होगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हो, जब ये चेंजेस हुए ना तो ये स्लो चेंजेस है, धीरे 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 हम इंसान बनते गए, ठीक है, और स्लो चेंजेस, कंटिन्यूअस चेंजेस था। उसके अलावा जो भी इसमें चेंजेस आए वो इरिवर्सिबल थे, ठीक है। और क्या था इसमें, हमने कुछ अडेप्टेशंस भी गेन करी, और उसके अलावा हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स होते गए, हमें कुछ नए नए एडवांस कैरेक्टर्स आते गए, और फंक्शनल एफिशिएंसी भी हमारी इंक्रीज हुई। जनरली हमारे क्या हुआ, जो माइंड की एफिशिएंसी ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। ये सब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे। तो इसको बोलते हैं इवोल्यूशन, ठीक है। और अभी भी इवोल्यूशन कंटिन्यूअसली चल रहा है, क्योंकि इवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो अभी भी इवोल्यूशन चल रहा है, ठीक है। बट लेकिन हमें कुछ ऐसा चेंज क्यों नहीं दिखता इंसानों में एकदम से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है, बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, कई सालों लग जाते हैं इवोल्यूशन के नई स्पीसीज को आने में, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो गया, इवोल्यूशन वर्ड का मतलब हो गया। अब हम एक मिनट, अब हम यहां से देखेंगे, उससे पहले डायग्राम दिख रहा है नीचे एलियन और डायनासोर का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। एक लाइन को समझाने के लिए मैंने वहां पे वो ये फोटो बनाई है, और जब उसको पढ़ेंगे तो मजा आएगा उसको पढ़ने में, बट उससे पहले हम ऊपर की लाइन को कवर करते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर हम किसको स्टडी करते हैं, हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, अर्थ में पहली लाइफ कैसे आई, फिर उस लाइफ से इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमारी अर्थ में कैसे डेवलप हो गई, इतने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, इतने डिफरेंट टाइप के एनिमल्स कैसे आए, ठीक है, ये सब हमें इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर पढ़ना पड़ता है। बट व्हाट एग्जैक्टली इज इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये हमने ऊपर देखा है अभी। टू अंडरस्टैंड द चेंज इन फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स और फौना का मतलब होता है एनिमल्स। तो क्या लिखा है यहाँ पे, टू अंडरस्टैंड द चेंज इन फ्लोरा एंड फौना दैट हैव अकर ओवर मिलियन ऑफ ईयर ऑन अर्थ, वी मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, मीन्स इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ऑफ स्टार्स एंड इनडीड ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ। अब देखो, अगर आपको यह समझना है कि अर्थ में ना इतने डिफरेंट टाइप के फौना, इतने डिफरेंट टाइप के फ्लोरा जो है, मतलब इतने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स कैसे डेवलप हो गए, इसको समझने के लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा टाइम में। कब पीछे जाना पड़ेगा, कि जब हमारा यूनिवर्स बन रहा है, मतलब सबसे पहले क्या हुआ, इसको एक स्टेप से पढ़ेंगे हम। पहले हमारा यूनिवर्स बना, यूनिवर्स के अंदर क्या हुआ, स्टार्स बने, फिर कई सारे प्लैनेट्स बने, फिर अर्थ बना, ठीक है, सोलर सिस्टम बना, ये सब बना। अब अर्थ बन गया, अब उस अर्थ के अंदर भी पहली लाइफ कैसे क्रिएट हुई, फिर वो जो पहली लाइफ क्रिएट हुई उससे आज इतने सारे डिफरेंट टाइप के लाइफ फॉर्म्स कैसे डेवलप्ड हो गई, तो ये सब हमें पढ़ना होता है एक सीक्वेंस में, और यही क्या है, इवोल्यूशन है, ठीक है। What follows the longest of all the constructed and conjectured stories? तो ये जो इसमें क्या बोला, constructed, constructed मतलब खुद से बनाई हुई ना, और conjectured का मतलब क्या होता है, कि कुछ ऐसा guess
जिसके लिए ना कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पे ये चीजें पढ़ रहे हैं ना कि ये कंस्ट्रक्टेड, मतलब ये पढ़ेंगे ना कि यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, फिर अर्थ कैसे क्रिएट हुई, ये सब क्या है ना कंजेक्टर्ड स्टोरीज है। कंजेक्टर्ड स्टोरीज मतलब इसमें ना आपने जनरली क्या है, ह्यूमन ने क्या किया है, गेस करा है कि इस तरीके से ये हुआ होगा, बट हमारे पास कोई परफेक्ट इसका प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स और बायोडाइवर्सिटी ऑन प्लैनेट अर्थ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। तो इवोल्यूशन क्या है, स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, पहली लाइफ कैसे क्रिएट हुई, फिर लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इतने डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स कैसे क्रिएट हुई, मतलब बायोडाइवर्सिटी कैसे आई इस अर्थ पे, ठीक है। और ये सब हम समझेंगे किसके किसके साथ, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के साथ, कि अर्थ कैसे क्रिएट हुई। फिर उसके उससे भी पहले हम क्या पढ़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। तो आप स्टेप समझ रहे हो ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। पहले आपको इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स पढ़ना है, यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, फिर अर्थ कैसे क्रिएट हुई, फिर अर्थ के अंदर लाइफ कैसे आई, फिर उस लाइफ से इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कैसे क्रिएट हो गई, ठीक है। तो पहले बात करेंगे हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की, ठीक है। तो इसमें क्या है, When we look at stars on a clear night sky, we are in a way looking back in time. इस लाइन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये फोटो बनाई है, एलियन और वो डायनासोर की, और ये क्या है ना अर्थ है, ठीक है। ये क्या है, अर्थ, ठीक है। अब इसको समझना, क्या बोला उसने, When we look at star, जब हम स्टार को देखते हैं क्लियर नाइट स्काई में, तो ना हम ना इन अ वे लुकिंग बैक इन टाइम, इसका मतलब क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एलियन है, ठीक है, ये एक एलियन है, ये ना अर्थ से 65 मिलियन लाइट एयर्स अवे है। लाइट एयर्स में नापा जाता है ना ये इतना लंबा जो डिस्टेंस होता है, तो एलियन जो है वो अर्थ से कितना दूर है, 65 मिलियन लाइट एयर्स अवे, ठीक है, इतना दूर है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात समझना, अगर ये एलियन जो कि इतना दूर है अर्थ से, ये एक ना किसी स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप की मदद से ना अगर अर्थ को देखेगा, ठीक है, मान लो ये एलियन इतनी दूर है और ये ना एक स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप की मदद से अर्थ में देख रहा है, तो इसको पता है क्या दिखेगा, इसको दिखेंगे डायनासोर्स, इसको ह्यूमन नहीं दिखेंगे यहां पे, इसको क्या दिखेंगे, डायनासोर्स दिखेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ इसको समझना, जो अर्थ से लाइट जारी होगी, ठीक है, जो अर्थ से लाइट जारी होगी, उस लाइट को इस एलियन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, बहुत करोड़ों साल लग जाएंगे, क्योंकि इतना डिस्टेंस कवर करना है ना लाइट को। तो बात समझ रहे हो, यहां से जो लाइट निकली है अर्थ से, वो इस एलियन तक करोड़ों सालों के ट्रेवल होने के बाद पहुंची है, ठीक है। तो वो जो लाइट इस एलियन तक पहुंची है वो इमीडिएट नहीं है, मतलब वहां से आई और सीधे उस तक पहुंची, वो करोड़ों साल पहले अर्थ से वो लाइट निकली होगी और फिर उस एलियन तक पहुंची होगी, और करोड़ों साल पहले जब वो लाइट निकली होगी अर्थ से, तो वहां पे उस टाइम पे क्या रहे होंगे, डायनासोर्स, है ना, डायनासोर्स रहे होंगे। तो वो लाइट अब उस तक पहुंच रही है और वो उसको देख रहा है, तो उसको क्या दिखेंगे, डायनासोर्स दिखेंगे। इसको ऐसे समझो जैसे हम बाहर, अभी बाहर जाएं और स्टार को देखें, तो जो स्टार से अपने को लाइट मिल रही है ना, वो लाइट सीधे हम तक ऐसे नहीं आ रही है, वो लाइट पता नहीं कब कितने सालों पहले वहां से शुरू हुई होगी और अब हम तक पहुंच रही है, समझ रहे हो ना, क्योंकि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है। इसलिए तो इसीलिए क्या होता है, अगर एलियन कोई अर्थ की तरफ देखेगा तो अर्थ में उसको एलियन वो क्या दिखेंगे, डायनासोर्स दिखेंगे, ह्यूमन नहीं दिखेंगे, क्योंकि उस तक जो लाइट पहुंच रही है वो करोड़ों साल के ट्रेवल होने के बाद पहुंच रही है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। बट इसमें गजब चीज हो जाएगी ना, अगर एलियन दिखेगा इतने सालों पहले अर्थ को तो उसको डायनासोर दिखेगा, बट वो अगर वो डायनासोर को देखने के लिए अर्थ की तरफ जाएगा तो उसको डायनासोर नहीं दिखेंगे, उसको तो ह्यूमंस दिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे, ठीक। तो अब आगे देखते हैं, स्टिलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट एयर। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसको किसमें मेजर करते हैं, लाइट एयर में। When what we see today is an object who emit light started its journey million of year back and from trillion of kilometer away and reaches our eye now. तो जो जैसे हम स्टार को देख रहे हैं, तो स्टार जो है ना उससे जो लाइट है वो क्या कर रही है, ट्रिलियन ऑफ किलोमीटर दूर है, वो लाइट वहां से ट्रेवल करके हमारी आंखों तक पहुंच रही है। तो आप समझ रहे हो कि वो पता नहीं कितने सालों पहले वहां से लाइट निकली होगी और वो अब हम तक हमारी आंखों तक पहुंच रही है। However, when we see object in our immediate surrounding, We see them instantly, hence in the present time. But अगर मैं अपनी आसपास अगर कुछ देख रहा हूँ, ठीक है, तो ये तो क्या है, एकदम present है ना, वहां से light, मतलब ये जैसे मैं laptop को देख रहा हूँ, तो वहां से जो light आ रही है वो सीधे मेरे तक आ रही है।
तो उसमें तो कोई टाइम नहीं लग रहा ना, तो ये तो मेरे बिल्कुल क्या है, प्रेजेंट टाइम में है, बट वो जो वहां से जो लाइट आ रही है वो पता नहीं कब की ट्रेवल होके हमारी आंखों तक आ रही है। देयरफॉर व्हेन वी सी स्टार्स, जब हम स्टार्स को देखते हैं तो वी अपेरेंटली आर पीपिंग इन द पास्ट। पीपिंग मतलब झांकना, तो हम ना जब स्टार्स को देख रहे हो तो हम पास्ट की तरफ झांक रहे हैं। समझ गए होंगे, ठीक है। इसको गूगल भी कर सकते हो आप, है गूगल में भी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। अब यूनिवर्स बन गया, ठीक है, अर्थ बन गई, इतने सारे प्लैनेट्स बन गया, सोलर सिस्टम बन गया, उसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ हो गई, लाइफ क्रिएट हो गई, तो ये क्या है ना, एक यूनिक इवेंट है, बहुत ही अमेजिंग और यूनिक इवेंट है, ठीक है। अब क्या है, यूनिवर्स इज वास्ट, यूनिवर्स बहुत ज्यादा बड़ा है। रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली अ स्पीक। स्पीक का मतलब होता है ऐसे बिंदु, छोटा सा, ठीक है, एक डॉट। अगर हम कंपेयर करें ना यूनिवर्स को अर्थ से, तो यूनिवर्स के कंपेयर में अर्थ क्या है, छोटा सा डॉट है, ठीक है। द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, यूनिवर्स बहुत ज्यादा पुराना है, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर ओल्ड, ठीक है। फिर ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज कंपेराइजेस द यूनिवर्स। अब यूनिवर्स के अंदर क्या आ जाती है, गैलेक्सीज आ जाती है, ठीक है, गैलेक्सीज, जिसमें क्या होता है कई सारे सोलर सिस्टम प्रेजेंट है। तो गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स, गैलेक्सीज में स्टार्स होगा, एंड क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट। तो गैलेक्सीज में क्या प्रेजेंट है, अच्छा इसको समझना है एक सीक्वेंस से। पहले क्या है, यूनिवर्स है, यूनिवर्स किससे बना है, कई सारी गैलेक्सीज से। गैलेक्सीज के अंदर आपको क्या मिलेंगे, स्टार्स और क्लाउड्स ऑफ गैसेज एंड डस्ट, ठीक है। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इन डीड स्पीक, वही चीज बोली उसने, अर्थ यूनिवर्स बहुत ज्यादा बड़ा है और अर्थ बहुत ज्यादा छोटी है। द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब यहाँ पे ना हमें क्या देखना है, सबसे पहले यूनिवर्स कैसे बना, तो यूनिवर्स को कैसे बना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी है विच इज कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी। इट टेक अ सिंगुलर, इट टॉक्स ऑफ ए सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। ऐसा माना जाता है कि ना एक बहुत बड़ा क्या हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जिसको बोलते हैं बिग बैंग, ठीक है, और उसकी वजह से फिर क्या है, हमारा यूनिवर्स जो है वो बना। द यूनिवर्स एक्सपेंड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन, ऐसा समझो। सबसे पहले ना जैसे ये एक पर्टिकुलर छोटा सा कोई यूनिवर्स था, और वहां पे ना बहुत सारी गैसेस थी, कुछ पार्टिकल्स थे, एटम्स थे यहाँ पे बहुत सारे, इसमें क्या हुआ, ब्लास्ट हो गया। तो जैसे इसमें ब्लास्ट हुआ तो क्या हो गया, इसमें यूनिवर्स एक्सपांड होना शुरू हो गया, एक्सपैंड होना शुरू हो गया, ठीक है। ये सब जो पार्टिकल्स, इसमें जो गैसेस, जो एटम्स वगैरह थे, अब दूर दूर जाने लगे, तो ये जो ब्लास्ट हुआ इसकी वजह से क्या हुआ, एक्सपैंड हो गया। द यूनिवर्स एक्सपेंड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन, और फिर क्या हुआ, टेम्परेचर डाउन आ गया। हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस फॉर्म समटाइम्स लेटर, फिर कौन सी गैसेस बनी, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस बनी। द गैसेस कंडेंस अंडर ग्रेविटी, और ये जो गैसेस है फिर ये कंडेंस हो गई ग्रेविटी की वजह से, नीचे आ गई है ना, एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स, और फिर इसकी वजह से क्या हुआ, जो गैलेक्सीज है वो क्रिएट हो गई, ठीक है। तो इसको इमेजिन कर सकते हो आप, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, फिर उसके बाद ये गैसेस बनी, गैसेस नीचे कंडेंस हुई, फिर इन गैसेस की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, गैलेक्सीज क्रिएट हो गई। इन द सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ वॉज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। अब यहाँ पे सोलर सिस्टम आपको बताइए क्या होता है, बीच में सन है, उसके चारों तरफ से प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला, जो अर्थ है ना वो कितना कब बनी थी, 4.5 मिलियन ईयर्स बैक बनी थी। There was no atmosphere on Earth earlier. Early Earth में कोई भी atmosphere नहीं था, तो इस वजह से जो sky है वो कैसा दिखेगा, एकदम black, ठीक है। Water vapor, methane, carbon dioxide and ammonia, ये बहुत important है। Water vapor, methane, carbon dioxide और ammonia जो gases है ना, ये release हुई from molten mass, ठीक है। Molten mass जो है, जो blast के बाद जो गल गया था ना जो mass, उससे क्या क्या बनी, उससे गैसेस बनी, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ठीक है, जिसने क्या जो कि एटमॉस्फेयर में आ गई। फिर यूवी रेस फ्रॉम द सन, यूवी रेस आई सन से, उसने क्या किया, वाटर को ब्रेक कर दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब जो हाइड्रोजन है वो तो लाइटर है, तो वो उड़ गया, एस्केप हो गया। ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया, अब ये जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ कंबाइन हो गई, अमोनिया के साथ कंबाइन हो गई और मीथेन के साथ कंबाइन हो गई, और इसकी वजह से बन गया वाटर और CO2 और अदर गैसेस, ठीक है। सब सीक्वेंस है, इसको याद रखना। द ओजोन लेयर वॉज फॉर्म्ड, उसके बाद O3 जो ओजोन होती है वो भी बन गई। एज इट कूल
वॉटर वेपर फॉल एज रेन. अब जो वॉटर वेपर है ना वो जब ठंडे हुए तो फिर वो क्या बन गए, बारिश, बारिश आने लग गई. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो डिप्रेशन थे ना अर्थ में, मतलब जो बड़े बड़े गड्ढे थे अर्थ में, उसमें पानी भर गया. तो पानी भरने से क्या हो गया, ओशियन बन गए. फिर लाइफ अपेयर्स 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ. जब अर्थ बन गई ना उसके 500 मिलियन ईयर्स बाद जो है लाइफ अर्थ पे क्रिएट हुई, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर बैक. ठीक है, 4 बिलियन ईयर बैक जो है पहली लाइफ जो है वो क्रिएट हुई. ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, इस वीडियो में हमने बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ा. बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ, एक बहुत ज्यादा ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हुआ, बहुत सारी गैसेस बनी. फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस तरीके से जो गैसेस है वो कंबाइन हो गई और उसकी वजह से वाटर भी बना, वाटर वेपर बना, बारिश हुई, ओशंस बने और फिर इस तरीके से पहली लाइफ जो है वो क्रिएट हुई. ठीक है, तो पहले यूनिवर्स बना, देन उसके बाद अर्थ बनी. ठीक है, ये सब जो सोलर सिस्टम है सब बने और तब जाके लाइफ क्रिएट हुई. तो ये जो वीडियो है ना इसको छोटा ही रहने देते हैं अभी, ये इंट्रोडक्शन था तो इसको छोटा रहने देते हैं. इसके बाद अपने को जो पढ़ना है ना वो ये पढ़ना है कि लाइफ कैसे आई, अर्थ में पहली लाइफ कैसे आई. ये तो सिर्फ इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में हमने पढ़ा. ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद ही आया होगा आप लोगों को. प्लीज़ को शेयर करना अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, और प्लीज़ सपोर्ट करना. और बाकी ट्वेल्थ के यार वीडियोस जो हैं आपके सिलेबस में इस बार वो सारे कंप्लीट है, सारे बन चुके हैं क्लास ट्वेल्थ में जो हैं, इस बार जो आपके बोर्ड में आएंगे. तो ठीक है, ओके, बाय बाय बाय.